अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोफिन दवा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपके सब्जेक्ट मुश्किल हैं, जिनमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपका प्रोग्रामिंग है जिसमें C++ आती है, आपका जो है HTML है, आपका जावा है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो मेरी सारे दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो, हर लेक्चर आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों, मेरी जितने भी वीडियोस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे बनानी है, या अगर वो GDB से रिलेटेड है तो आपने अपना GDB कैसे बनाना है, या अगर वो क्विज से रिलेटेड है तो आपका जो क्विज है वो हर बंदे के डिफरेंट होते हैं, तो आपका वो जो क्विज है कौन से चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको पढ़ के आसानी से कर सकते हो। तो आप उनको एज एन आइडिया ही कंसीडर किया करें। अगर उसमें कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो आप लोग उसे जो है अपने एंड के ऊपर जो है वो सेट कर लिया करें। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमारी CS401 की। बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए कि सर आपको हमारे साथ दुश्मनी है, या आपके हमारी असाइनमेंट नहीं बनाते, या इस तरह के। तो मेरे पास जो है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर जो मुझे बच्चे पे करते हैं पहले मैं उनको प्रायोरिटी देता हूँ, उनकी असाइनमेंट्स बनाता हूँ, और फिर अगर मेरे पास को टाइम बच जाता है तो फिर मैं मतलब दूसरी वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो वीडियो है CS401 की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की, ये भी हमारी डेट एक्सटेंड हुई है, जिसकी वजह से मुझे कोई थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना सकूँ, और फिर उस टाइम के अंदर मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, हमारी ये जो है CS401 की असेंबली की पहली असाइनमेंट है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि आपने करना क्या है। तो चलिए हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमें जो है इसके अंदर बताया गया है, प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट है, सेव योर कंप्लीट VUID इन मेमोरी यूजिंग बेस रजिस्टर। हमने बेस रजिस्टर का इस्तेमाल करके इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मोड इफ लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID इज ऑड। अगर आपका ऑड है तो आपने बेस रजिस्टर यूज करना है, और इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मोड इफ द लास्ट डिजिट इज योर इवन। कि अगर आपका आईडी जो है उसका जो लास्ट डिजिट है अगर तो वो आपका ऑड है तो फिर आपने बेस रजिस्टर, और अगर आपने का आईडी इवन है तो फिर आपने इंडेक्स्ड रजिस्टर यूज करके आपने अपना जो VU का आईडी है वो मेमोरी के अंदर सेव करवाना है। एड्रेसिंग मोड हमें दो दिए हुए हैं, ये वही है जो ऊपर हमें बताया गया है कि ऑड के लिए हम बेस रजिस्टर और इवन के लिए जो है हम लोग इंडेक्स रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। हमने करना क्या है, व्हाट टू सबमिट। योर असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन द सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक या डॉक्स के अंदर आपने वो जाएगी। कोड रिटन इन वर्ड, आपने जो भी कोड लिखना है अपने प्रोग्राम का वो आपका वर्ड में लिखा हुआ होना चाहिए। देन आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऑफ कंपाइलेशन स्टेप डॉस बॉक्स। आपके जो कंपाइलेशन स्टेप्स हैं डिफरेंट डॉस बॉक्स के अंदर वो आपके उनके स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए। उसके बाद आपका जो है स्क्रीनशॉट ऑफ AFD के, आपका जो AFD है मतलब जो आपका डिबगर या कंपाइलर है उनके सारे जितने भी स्टेप्स आएंगे वो हमने सारे स्क्रीनशॉट एक वर्ड की फाइल में बना के और ऊपर जो हमने कोड लिखा है वो लिखकर हमने वो सबमिट करवाना। तो दोस्तों, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने ये असाइनमेंट बनानी कैसे है। तो दोस्तों, आपको CS401 असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने LMS से जाकर ये चार चीज़ें डाउनलोड कर लें। अब इसमें से एक तो आपको असाइनमेंट फाइल जो लास्ट में फोर्थ नंबर पे लिखी हुई है वो तो आपको इजीली मिल जाएगी। अब ऊपर वाली जो है नेफिम सॉफ्ट है, उसमें डॉस बॉक्स है,
उसमें एफ की कोड है। ये जो तीन चीजें हैं ये आपको, आप कोर्स वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कोर्स वेबसाइट पे क्लिक करेंगे जो आपके एलएमएफ में पहला ऑप्शन आ रहा होता है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट टैब्स आ जाएंगी, उसके अंदर जो सेकंड लास्ट है आपकी टैब डाउनलोड्स की है। आप उस डाउनलोड्स में जाएंगे, उसके आई थिंक के पांच पेजेस हैं, आप उन पांच पेजेस में से दूसरे या पहले या तीसरे पेज के ऊपर जो है ये तीनों सॉफ्ट जो चीज़ें हैं, ऊपर वाली नेफिम सॉफ्ट, डॉस बॉक्स आपको 0.74 वाला, और फिर इसी तरह एफ की कोड आपका जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। आप इन चारों फाइलों को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आगे हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें ये एक फोल्डर मैंने ओपन किया है। इस फोल्डर के अंदर देखें वो चारों जो फाइलें हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे किया है, इसमें ASM सॉफ्ट है, इसमें आपका टॉस बॉक्स का सॉफ्ट है, इसमें आपकी वो असाइनमेंट वाली फाइल है और एफ की कोड है। असाइनमेंट वाली फाइल तो वहाँ पे भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे भी लिख दिए, तो हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर और देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि अब ये डाउनलोडेड फाइल जो हैं चारों यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल हो गई होंगी, मैंने जैसे आपको फोल्डर में भी दिखाया, तो ये वो चार फाइल्स हैं। जब ये चार फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएं तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है नेफिम सॉफ्टवेयर। अब ये जो नेफिम सॉफ्टवेयर है ये आप कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपने क्या करना है, क्रिएट अ फोल्डर इन ड्राइव एंड गिवन नेम ऑफ नेफिम। आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट करना है, किसी भी ड्राइव के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, उसका नाम जो है वो आपने नेफिम रखना है, या आप अपनी मर्जी से भी कोई रख सकते हो जो आपको बाद में याद रहे। मैंने जो है यहाँ पे नेफिम NASM रखा, हम साथ के साथ ये क्रिएट कर ही लेते हैं, बल्कि बाद में, पहले ये आप देख लें, बाद में मैं आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने वो जो हमारी चार फाइल्स हैं उसमें से जो ASM सॉफ्ट वाली है वो जाके उस फोल्डर के अंदर आपने एक्सट्रैक्ट कर देनी है, उसको अनजिप कर देना है। जब आप अनजिप कर देंगे तो आपके सामने कुछ सारी ये जो फाइलें हैं ये देखें, MIFC AFD, इसमें आपका डिबगर आ गया, कंपाइलर आ गया, असम्बलर आ गया, वो सारी की सारी फाइलें ऐसे एक्सट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएंगी। ये तो है आपका उस ASM सॉफ्ट की हद तक। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका डॉस बॉक्स। ये करने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले वो जो पहले वाला आपको मैंने बताया वो हम करके देख लेते हैं। उसके लिए जो है मैं अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे और जो है डिस पीसी के अंदर जाने के बाद मैं डी ड्राइव ओपन करता हूं और यहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं जी नेफिम का, NASM नेफिम का फोल्डर बनाया और मैंने इस फोल्डर को कर दिया जी ओपन। ओपन करने के बाद ये जो आपका ASM सॉफ्ट है आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर के अंदर आना है और यहां पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने किया जी इसको एक्सट्रैक्ट हियर, तो ये अनजिप होकर देखें बिल्कुल वही जो इमेज मैंने आपको पहले दिखाया वो सारी की सारी फाइलें यहां पे आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है देखें हमने जो सेकंड फाइल है डॉस बॉक्स वाली, अब वो कॉन्फ़िगर करनी है या वो इंस्टॉल करनी है। इसका भी यही है कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेजेस दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको लाइव इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने उस पर डबल क्लिक किया, ये एक नया डायलॉग बॉक्स ऊपर आपके सामने बन के आ गया, आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपने इसकी सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना है और फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट, आपने फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो पाथ या डेस्टिनेशन कह रहा है तो आपने उसको भी नहीं छेड़ना और क्लिक कर देना है इंस्टॉल के ऊपर, और आपका जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन क्लोज की आएगी, आपने क्लोज के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने वो क्लोज हो जाएगा। अब यहां तक जो हमने प्रोसेस देखा है उसको मैं आपको लाइव जो है वो करके भी दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये हमारा डॉस बॉक्स वाला वो सॉफ्टवेयर है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहां पे देखें वो ऑप्शन मांग रहा है कि हम डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप इंस्टॉलेशन इनटू योर कंप्यूटर, तो हम इसको यस कर देते हैं। हम देखें वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया, यहां पे मैंने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो पाथ वाली जगह आ गई, यहां पे फिर मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब
ये हमारा जो नेफिंग वाला सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो गया। अब ये क्लोज की ऑप्शन कह रहे तो मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद दोस्तों आप देखें कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको डॉस बॉक्स का ये एक आइकॉन अवेलेबल हो जाएगा, और जब आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक ब्लैक स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये वही स्क्रीन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये डॉस बॉक्स वाला सॉफ्टवेयर। अब हमने क्या करना है आगे स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे हमने माउंट करना है सबसे पहले, और माउंट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे माउंट। माउंट का मतलब ये है कि आपने देखें जो नेफिम वाला सॉफ्टवेयर है वो आपने रखा है अपनी डी ड्राइव के अंदर, बट यू हैव इंस्टॉल द डॉस बॉक्स सॉफ्टवेयर ऑन द सी ड्राइव, आपने सी ड्राइव के इंस्टॉल किया है। अब वो सी ड्राइव को और आपने जहां पे वो फोल्डर बनाया है उसको हमने आपस में माउंट करना है, ताकि वो जो असेंबलर है या डीबगर है वो वहां से डी ड्राइव से या जी ड्राइव से उठा ले। तो उसके लिए हम माउंटिंग करते हैं। ये माउंटिंग भी मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूं। ये माउंटिंग जब आप कर लेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी जी नेफिम, और वो जी के ऊपर जो है वो पहले एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया था तो वो जो है इसके साथ माउंट हो गया। अब मैंने डी के ऊपर किया तो वो डी के ऊपर भी मैं आपको माउंटिंग जो है वो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है जी, हम इसको लाइव अब करके देखते हैं कि हमारा जो वो डॉस बॉक्स वाला है, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर आ रहा है। अब हमने करनी है माउंटिंग। हमने जो फोल्डर नेफिम वाला बनाया है वो बनाया डी ड्राइव के अंदर, इट मींस के वी आर माउंटिंग द सी ड्राइव विद द डी ड्राइव वेयर आई हैव क्रिएटेड द फोल्डर नेम एज नेफिम। हम उसको माउंट करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे माउंट। माउंट लिखने के बाद आपने सबसे पहले वो ड्राइव लिखनी है जिसके ऊपर आपने डॉस बॉक्स को इंस्टॉल किया, वो हमने सी के ऊपर किया, सी को लिखा, सी लिखने के बाद हमने कॉलन लगाया। अब हमने उस ड्राइव का नाम लिखना है जिसके ऊपर हमारा वो नेफिम वाला सॉफ्टवेयर पड़ा है, तो हम जो है वो डी लिखेंगे, डी के साथ कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद जो है वो एक डालेंगे फ्लैश, उसके बाद हम लिखेंगे नेफिम, NAFM नेफिम लिखा और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें वो वाला मैसेज आ गया है, ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी डी और नेफिम आ गया। अब देखें कि हमारी वो जो ड्राइव है जिसके अंदर हमने नेफिम वाला फोल्डर बनाया वो इसके साथ आपकी जो है माउंट हो गई है। अब आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। हम जो है वापस अपनी सी ड्राइव में चले जाते हैं क्योंकि हमने जो है वो सी को माउंट किया है, तो सी कॉलन लगा के एंटर किया तो हम सी ड्राइव के अंदर आ गए। यहां तक तो है दोस्तों हमारी कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम जो हमें अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए जरूरत पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इसकी इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपनी असाइनमेंट की। असाइनमेंट में हमें कहा गया कि आपने अपना जो वीयू का आईडी है उसको स्टोर करवाना है मेमोरी के ऊपर। उसके लिए जो है दो कंडीशंस दी गई हैं, एक ऑड की एक इवन की। अब देखें मैं आपके सामने एक ऑड वाला प्रोग्राम खोल लेता हूं। यहां पे जी ये वाला जो प्रोग्राम है मैंने ऑड के लिए लिखा है, और ऑड में हमें बताया गया था कि अगर आपका जो आईडी है वो ऑड है तो आपने उसको जो है स्टोर करवाना है बेस रजिस्टर के अंदर। अब जो हमारे पास बेस रजिस्टर है वो BX होता है, और जो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर है वो SI होता है। तो ये मेरा जो प्रोग्राम है ये हमारा है बेस रजिस्टर वाला। हम देखें इसमें वही ऑरिजिनेट है 0x011100। एफ की कोड है जी एम का, क्योंकि मेरा जो आईडी है वो एम से शुरू होता है, एम सी से, तो एम का जो एफ की कोड है वो 77 है, और इसका जो एफ की कोड है सी का वो हमारे पास है जी 67। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है एम और सी को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे देखें मैंने आईडी लिख दिया है यहाँ पे ऑड के 123, मतलब मेरा जो आईडी है वो है MC123। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखा मूव ए एक्स, इसका मतलब ये है कि ए एक्स के रजिस्टर में क्या करो आप 77 एंटर कर दो। इसका मतलब ये है कि एम वहां पे
आ जाना चाहिए। अच्छा एक चीज और जो चौथी मैंने आपको बताई थी कि वो आप एफ की कोड वाली एक फाइल है वर्ड की, वो भी डाउनलोड कर लें। तो ये एफ की कोड वाली फाइल है, मैं ये खोल के आपको दिखा देता हूं। इसमें आपको हर वर्ड हर फाइम्बल का कोड, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं कि उसको सारे कोड भी पता हो, तो ये एक फाइल है एफ की कोड की, ये भी आपको वहां पर अवेलेबल है। इसमें देखें अगर मैं सर्च करता हूं अपना एम, तो यहां पे देखें M मैंने सर्च किया तो M का जो F की कोड है वो हमें यहां से मिल जाएगा। यहां पे M आ गया कि उसका जो है F की कोड वो 4D है, तो यहां पे आप 4D भी लगा सकते हो। उसके बाद जो है अगर यहां पे मैं आपको लिखता हूं, अगर आपका ID B है तो आप जो है यहां से B सर्च करोगे और बी जहां पे होगा वहां पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखें 42 जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी काफी सारी चीजें, यहाँ पे एफ की कोड जो है वो आप देख सकते हो, और देखने के बाद आप जो है उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसको जाके यूज भी कर सकते हो। ये हमें यहाँ पे एफ की मीनिंग और ये सारे उसके कोड और सारी चीजें दी गई हैं। इस फाइल से हमने जो है वो एफ की कोड जनरेट किए हुए मिल जाएंगे, हम वो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब हमने वो एफ की कोड देख लिया, जब मैं उस फाइल की आउटपुट आप लोगों को दिखाऊंगा तो वहां पे जो है वो जैसे एम का 4D आ रहा था तो वहां पे वो 4D आ रहा होगा। हम जी अब वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं, और प्रोग्राम में देखें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मूव किया AX रजिस्टर के अंदर 77 को। उसके बाद हमें बताया गया था कि आपने जो है बेस रजिस्टर और प्लस ऑफसेट, अब यहाँ पे देखें मूव BX जो है वो हमारा बेस रजिस्टर है और प्लस की हमने ऑफसेट 0, मतलब सबसे जो पहली लोकेशन है उसके अंदर ऊपर आना चाहिए हमारा AX प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने मूव AX लिखा और उसके अंदर डाल दिया 67। अब देखें AX रजिस्टर के ऊपर हमारा 67 है। अब हम मेमोरी को बताएंगे कि कौन सी लोकेशन के ऊपर, कौन से ऑफसेट के ऊपर जो है हमारा ये 67 मतलब सी प्रिंट होना चाहिए। तो आप देखें मैंने BX बेस रजिस्टर के साथ प्लस कर दिया 1 और उसको असाइन कर दिया AX। इसका मतलब यह है कि AX के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आपकी उसको असाइन हो गई। उसके बाद AX को मैंने 1 दिया और फिर इसी तरह BX प्लस 2 कर दिया और AX उसको असाइन कर दिया, इसी तरह AX फिर 2 कर दिया, फिर BX प्लस 3 करके AX की वैल्यू उसको असाइन कर दी। इसी तरह हमने AX और 3 लिखा और BX प्लस 4 किया और AX की वैल्यू उसको असाइन कर दी। लास्ट में जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो मूव AX 0X 4C00 इंट 0X 21, ये तो हमने लिखना है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है और इसको करना है सेव। यहां पे चूंकि पहले से बनी हुई है इसलिए मैं सेव पे क्लिक नहीं करना, आपने नोटपैड में जब ये लिख लेना है तो आपने सेव पे क्लिक करना है। हमने इसको सेव एज पे क्लिक किया और यहां पे मैं जाता हूं जो डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जो है वापस मैं डी ड्राइव के अंदर जाता हूं जहां पे हमने वो फोल्डर बनाया है, और वो फोल्डर जो है नेफिम वाला हमारा ये रहा। इसको मैंने ओपन किया और ऑड के बाद मैंने लगा दिया .afm। ये .afm आपने जरूर लगाना है, इससे पता चलेगा कि ये जो फाइल है आपकी असेंबली की है और ये एक असेंबलर के अंदर ओपन होगी और फिर हम उसको डीबगर के अंदर ओपन करेंगे। इसको हमने .afm लिखा, .afm लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूं सेव। ये सेव हो गई। सेव होने के बाद हम वापस चलते हैं अपने डॉस बॉक्स के ऊपर। डॉस बॉक्स के ऊपर हम पहुंच गए हैं। यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे दोस्तों आपने सबसे पहले उसको कंपाइल करना है और फिर रन करना है डिबगर के अंदर, AFD के अंदर। हम यहां पे पहले उसको कंपाइल करने के लिए लिखते हैं नेफिम, NASIM। नेफिम लिखने के बाद आपने जो फाइल का नाम रखा है वो रखा है ऑड, ठीक है, ऑड .afm के .afm वाली फाइल को जो है कंपाइल करो। अब हमने इससे क्या करना है आगे, इससे आगे जो है हमने इसकी सबसे पहले आउटपुट जनरेट करवानी है, तो हम माइनस ओ लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी आउटपुट वाली फाइल जनरेट होगी और उसको फाइल का नाम देंगे जो आउटपुट वाली हमारी जनरेट होगी, उसका नाम हम रख रहे हैं जी odd.com।
कि हमारी सबसे पहले हमने नेफिम लिखा और ऑट डॉट ए एफ एम लिखा, इसका मतलब यह है कि आपकी इस फाइल को कंपाइल करे। उसके बाद हमने माइनस ओ लगाया, इससे मुराद ये है कि आपकी उस फाइल की जो आप कंपाइल कर रहे हैं उसकी एक आउटपुट वाली फाइल जिसका नाम ऑड डॉट कॉम होना चाहिए वो जनरेट करे। और उसके बाद मैं कहता हूं माइनस एल, इससे मुराद ये है कि आपकी जो आउटपुट आई है उसकी एक लिस्टिंग फाइल बनाए जिसको मैंने नाम रखना है ऑड डॉट एल एफ टी। ये रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है एंटर। अब देखें, मैं आपको सबसे पहले नेफिम वाला फोल्डर दिखाता हूं। यहां पे देखें हमारे पास सिर्फ 17 फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर वो हमारी ऑड डॉट ए एफ एम वाली फाइल नहीं है। जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो यहां पे ऑड डॉट ए एफ एम की फाइल आ गई है। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास ऑड डॉट कॉम भी आएगी और ऑड डॉट एल एफ टी वो लिफ्टिंग वाली फाइल भी आएगी। तो यहां पे हम करते हैं जी इसको एंटर। जब हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इधर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो यहां पे आनी चाहिए, नहीं आई, आई थिंक इसमें कोई मसला होगा। चलिए मैं आपको वो, ये देखें, बल्कि आ गई, ये देखें, ये ऑड डॉट कॉम वाली है, देखें 19 हो गई, पहले 17 थी अब 19 हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट हुई हैं, एक ऑड डॉट कॉम वाली जिसके साथ डॉट कॉम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट कॉम है, मतलब वो एम एफ डॉस के अंदर ही ओपन होगी। और दूसरी ये ऑड एल एफ टी, मतलब ये हमारी लिस्टिंग वाली फाइल है। अब हमने क्या करना है, अब हम वापस अपने डिबगर इसमें आते हैं डॉस बॉक्स के अंदर। अब यहां पे हमने वो अपनी जो हमारी फाइल कंपाइल होके हमें मिली है जो हमने डिबगर के अंदर चलानी है वो हम चलाते हैं, और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रोग्राम कैसे रन होता है। अब यहां तक के ये जो हमने स्टेप्स किए हैं सारे, आपने इन सब के स्क्रीन शॉट लेने हैं, और स्क्रीन शॉट लेने के बाद जो है वो वर्ड वाली फाइल में पेस्ट करके आपने अपना आंसर भेजना है या वो फाइल भेजनी है। अब यहां पे हम लिखते हैं ए एफ डी, मतलब ए एफ डी जो है ये हमारा डीबगर है जिसके अंदर हम वो फाइल्स को चलाते हैं। अब ए एफ डी लिखने के बाद मैंने लिखा जी ऑड डॉट कॉम, ये हमारी वो जो आउटपुट वाली फाइल बनी थी उसका मैंने यहां पे नाम लिखा और एंटर किया। जब एंटर किया तो यहां पे देखें ये एक मेरे सामने स्क्रीन आ गई है। अब ये वो सारे यहां पे चीजें हैं जहां पे हमने अपना आईडी स्टोर करवाना है। अब देखें यहां पे आपको जो है ये देखें मूव ए एक्स फोर डी मेमोरी लोकेशन बता रहा है, और फिर मूव बी एक्स डॉट ए एक्स, इस तरह हमारी ये सारी लोकेशन। और यहाँ पे जो है ये आपको मेमोरी एड्रेस 0 ऑफसेट है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 7 और इसी तरह चलते चले जा रहे हैं। और फिर जब ये यहाँ तक खत्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे नीचे वैल्यूज आ जाती है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने एक एक जो हमारी वो इंस्ट्रक्शन है उनको आगे फॉरवर्ड करते चले जाना है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता चला जाऊंगा कि आपका कैफे आईडी यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे ये नोटपैड वाली फाइल हमारे सामने मौजूद है जिसके अंदर हमारा जो आईडी है वो MC123 तक है, ठीक है। जब आपकी सारी इंस्ट्रक्शन ये 0x4C00 तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, आपने वो की प्रेस करते चले जाना है। हम जो है यहाँ पे F2 या F1 की प्रेस करते चले जाएंगे और वो जो हमारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे स्टोर होती चली जाएंगी। हम प्रेस करते हैं जी पहला F2, यहाँ पे देखें आपकी एक इंस्ट्रक्शन आगे हो गई, और यहाँ पे ये 0 ऑफसेट 1 ऑफसेट, और यहाँ पे भी वैल्यूज आपकी चेंज होती चली जाएंगी। हम दोबारा F2 प्रेस किया, अब यहाँ पे 4D आ गया। अब देखें 4D जो आ गया इसका मतलब ये है कि जो हमने M लिया था उसका जो F की कोड है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आगे हमने फिर F2 किया, फिर F2 किया तो यहाँ पे देखें 4-3 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो C का हमारा F की कोड है वो भी प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है हमारा फिर हमने F2 किया, फिर F2 किया, अब देखें हमारा जो ID का पहला डिजिट था वो 1 था, वो हमारे ऑफसेट 2 पे स्टोर हो गया। उसके बाद फिर हमने F2 प्रेस किया 2 टाइम, तो ये यहाँ पे अब देखें हमारा जो MC12 आ गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट डिजिट था वो 3 था, क्योंकि हम ऑड नंबर वाला प्रोग्राम चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर F2 जो है वो 2 टाइम प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखें वो 3 आ गया। जब आपका पूरा आईडी जो है यहाँ पे स्टोर हो जाए और आपको नजर आ जाए तो आपने वहां से जो है एक स्क्रीन शॉट लेना है और उसको भी आपने अपने वर्ड वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा
ऑड नंबर वाला जो प्रोग्राम है वो रन भी हो गया और मैंने आपको वो डिबगर के अंदर भी ओपन करके दिखा दिया, उससे आपको जो है आउटपुट वाली फाइल भी बना के दिखाई और उसके बाद जो है आपको जो है लिफ्टिंग वाली फाइल भी बना के दिखाई। ये तो है उन दोस्तों के लिए जिनका ऑड नंबर वाला प्रोग्राम है। अगर हम बात करते हैं इवन नंबर वाले प्रोग्राम की, मतलब जो जिन दोस्तों के एंड पे इवन आ रहा है, तो अगर यहाँ पे जो है मैं उन लोगों की वीडियो नहीं बनाता जिनका इवन नंबर है रोल नंबर आईडी के अंदर, तो वो ये कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास सरासर व्यक्ति है। तो मैंने उसका भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूँ। आपको ऑड नंबर वाला डिटेल में समझा दिया है, उस पर हम थोड़ा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसको मैंने बंद कर दिया, हम वापस नोट पैड के ऊपर जाते हैं। ये देखें हमारा था ऑड नंबर वाला। अब मैं फाइल पे जाके ओपन करता हूँ इवन नंबर वाला। इवन नंबर वाला भी पहले से मैंने लिख कर रखा हुआ है ताकि हमें कोई मसला ना बने। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे देखें ये है हमारा इवन नंबर वाला प्रोग्राम। अब इसके अंदर सेम वही चीजें लिखी हुई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 लगाया है और जो है यहाँ पे पहले हम बेस रजिस्टर यूज कर रहे थे जिसको हम BX कह रहे थे, उसकी जगह पे इंडेक्स रजिस्टर, और इंडेक्स रजिस्टर जो है वो SI वाला हमारा जो रजिस्टर है इंडेक्स रजिस्टर होता है। बाकी पूरे का पूरा वही कोड है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे SI किया है, ऑफसेट भी वही है और जो है MC भी वही है, सिर्फ और सिर्फ 4 ऐड किया ताकि हमारा जो है वो इवन बन सके। यहाँ पे देखें और एंड के ऊपर पहले यहां तक था हमारा प्रोग्राम 3 तक, अब जो है वो प्रोग्राम हमारा 4 तक आ गया। AX के अंदर हमने 4 मूव किया और उसके साथ जो SI हमारा जो इंडेक्स रजिस्टर है उसके साथ प्लस किया ऑफसेट 5 और उसको असाइन किया AX वाली वैल्यू ताकि वो उसके अंदर प्रिंट हो सके, और उसके बाद बाकी सारी के सारा वही कोड है। हम इस फाइल को भी क्या करते हैं, फाइल सेव एज और नेफिम वाले फोल्डर के अंदर जाके मैं इसको जो है वो वहां पे सेव करता हूं और इवन लिखा, इस फाइल का नाम जो है वो मैं इवन ही रख रहा हूं और डॉट लगाकर ASM लिख दिया ताकि हमारी जो फाइल है वो असेंबली वाले प्रोग्राम वाली बन जाए। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जो है अब हम लोग अपना वो डॉफ बॉक्स वाला जो प्रोग्राम है वो चलाते हैं। यहां से मैंने डॉफ बॉक्स ओपन किया, डॉफ बॉक्स ओपन करने के बाद यहां पे देखें हमारे पास जो है ये डॉफ बॉक्स का प्रोग्राम ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसे हमने पहले माउंट किया था वैसे हम सबसे पहले माउंट करेंगे उस ड्राइव को या उस फोल्डर को जो हमने डी ड्राइव के अंदर क्रिएट किया है, उसके बाद फिर हम उसको कंपाइल करेंगे और फिर उसे आउटपुट वाली फाइल और लिफ्टिंग वाली फाइल जनरेट करेंगे और फिर उसको रन करेंगे। तो चलिए जी हम सबसे पहले माउंट करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं माउंट। माउंट लिखने के बाद हमने सी ड्राइव को माउंट करना है, किस ड्राइव के साथ, डी ड्राइव के साथ, और कॉलन लगा के हमने बैक फ्लैश लगाई, बैक फ्लैश लगा के मैंने NASM नेफिम लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे जो है हमें एक मैसेज मिल गया है कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो माउंट हो चुकी है। हम वापस सी ड्राइव के ऊपर आते हैं क्योंकि हमने सी के साथ माउंट किया है, और यहाँ पे जो है हम लोग लिखते हैं नेफिम। नेफिम लिखने के बाद हम लिखते हैं फाइल का नेम जो हमने रखा है इवन, इवन डॉट ASM, ये हमने फाइल का नाम रखा है, और उसे अब हमने आउटपुट वाली फाइल -O और फिर वही फाइल का नाम के किस फाइल की हमने आउटपुट वाली फाइल जनरेट करनी है .asm और फिर सॉरी .com क्योंकि हमने आउटपुट वाली फाइल जनरेट करनी है। उसके बाद फिर हम -L लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, लिफ्टिंग की फाइल देनी है इवन डॉट लिफ्ट LFT हमने लिखा और इसको कर देना है एंटर। उससे पहले मैं आपको वो फोल्डर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखे इवन वाली एक फाइल आ गई ASM की। अब यहाँ पे 20 फाइल है, जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएंगी, मतलब इवन की आपकी आउटपुट वाली फाइल भी आएगी और फिर इवन की जो है आपकी लिफ्टिंग वाली फाइल भी, इसके अंदर 2 फाइलें और आनी है। तो हम वापस अपने उसी प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पे जो है मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद अब मैं वापस आपको वो फोल्डर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें फाइलें 22 हो गई हैं, यहाँ पे जो है इवन वाली एक लिफ्टिंग वाली फाइल ये आ गई और इवन वाली आपकी आउटपुट वाली फाइल ये आ गई। अब हम अपनी उसको डिबगर के अंदर चलाते हैं AFD लिखने के बाद इवन डॉट कॉम लिखने के बाद जब हमने एंटर किया तो हम देखें यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर
पहुंच गए हैं जहां पे हमें वो मेरी अपना वीयू का आईडी जो है वो स्टोर करवाना है। हम बारी बारी एक एक इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करते रन करते जाएंगे और उससे हमारा पूरे का पूरा जो आईडी है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जब वो पूरा हो जाएगा हमारी जो इंस्ट्रक्शन है 04 वाली वहां तक चला जाएगा, तो फिर हम स्टॉप करके उसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे। यहाँ पे एफ टू प्रेस किया, फिर एफ टू, देखें 4D आ गया, फिर एफ टू 4-3 आ गया, फिर 1 आ गया। यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज है, अब ऑफसेट 2 के ऊपर 1 आ गया, ऑफसेट 3 के ऊपर 2 आ गया, फिर ऑफसेट 4 के ऊपर 3 आ गया, और हमने 4 तक लिया था तो ऑफसेट 5 के ऊपर जो है वो 4 आ गया। जब ये आपका आईडी कंप्लीट यहाँ पे नजर आ जाए और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो 4300 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो चल चुका है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और इसको वर्ड में पेस्ट कर लेना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी, आप लोगों को इन प्रोग्राम्स की कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इंस्टॉलेशन भी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आप जल्दी से अपनी असाइनमेंट खुद बनाइए और मेरी वीडियोस देखते रहिए, और मेरा नया चैनल youtube.com/teachersonlineforyou उस URL पे भी जाइए, और वहाँ पे जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, जिसमें आपका CS401 है, MGT101 है, CF201 है, MGT201 है, HTML है, और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाएं। और जैसे आपने मुझे VSSS में प्रमोट किया है वैसे ही 24/7 टीचर्स ऑनलाइन में प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज देखें ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के फायदे के लिए लेक्चर्स बनाता रहूं और इसमें मुझे भी फायदा हो। तो आप कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को YouTube के ऊपर देखा करें। तो दोस्तों मोफिन भाई को इजाजत दीजिए, अगली किसी सॉल्यूशन असाइनमेंट के साथ या GDB के साथ सॉल्यूशन के साथ उस वक्त तक के लिए मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।